देखिए बस सत्ता का संग्राम में आप सभी का स्वागत है और बात होगी राजस्थान में चौथी परिवर्तन यात्रा के साथ आज भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राओं का समापन हो रहा है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए चारों दिशाओं से निकाली गई परिवर्तन यात्राओं का समापन हो गया और इन सभी परिवर्तन यात्राओं के सामूहिक समापन को लेकर 25 सितंबर को जयपुर के निकट दादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा रखी गई है। इधर समापन से पहले परिवर्तन यात्राओं में कहीं खाली कुर्सी, कहीं नेताओं में आपसी विवाद, तो कहीं पर भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर्स तक बुलाई गई। भले ही बीजेपी नेता इन परिवर्तन यात्राओं को सत्ता परिवर्तन को लेकर जन समर्थन का नाम दे रहे हो, लेकिन ये नजारे पार्टी के लिहाज से सही नहीं कहे जा सकते हैं। चारों परिवर्तन यात्राओं में तीन परिवर्तन यात्राओं का समापन हो चुका है, जबकि चौथी परिवर्तन यात्रा का समापन आज बहरोड में हो रहा है। इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन कई नजारे ऐसे भी रहे जो पार्टी के नेताओं को असहज करने वाले भी रहे। परिवर्तन यात्राओं के दौरान एक तरफ जहां भरतपुर, निवाई, जयपुर में, गोनेर, जोधपुर समेत कई जगह खाली कुर्सियां कार्यकर्ताओं और आम जनता का इंतजार करती हुई दिखाई दी, वहीं भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले में एक दो जगह भीड़ बुलाने के लिए महिला डांसर्स बुलाई गई। वहीं गुरुवार रात तो अलवर के थानागाजी में भाजपा परिवर्तन यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स बुलाई गई और इतना ही नहीं, इन अश्लील नृत्यों को देखकर पार्टी कार्यकर्ता और नेता भले ही शर्मिंदा नहीं हो रहे हो, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग जरूर शर्मिंदा हो रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह सार्वजनिक रूप से महिला डांसर्स के अश्लील डांस को देखकर पार्टी की रीति नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए, ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, अभी आपको परिवर्तन यात्रा की हम चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि किस तरह से हुड़दंग हंगामा होते देख रहे हैं, किस तरह से धक्के मुक्के यहां पर की जा रही है, कैसी ये तस्वीरें परिवर्तन यात्रा से निकल कर आई हैं, इनसे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रीति नीति पर सवाल उठते हैं, कैसे यहां पर ये गुंडागर्दी साहबजादे करते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक के बेटे हैं, और कैसे यहां पर एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद यहां पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली और चुनाव से 2 महीने पहले इस तरह की नाराजगी आप समझ सकते हैं कितनी भारी पड़ सकती है। परिवर्तन यात्रा की ये हम तस्वीर नंबर 1 दिखा रहे हैं, भीड़ जुटाने के लिए किस तरह से यहाँ पर नाच गाने कराए जा रहे हैं, कैसे अश्लील डांस यहाँ पर हो रहा है, और ये बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि आप देखिए कि सिर्फ महिलाओं को डांस करने के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आपकी परिवर्तन यात्रा में भीड़ दिखाई दे।